प्रदेश में 4 से 5 दिन सुस्त रहा मॉनसून अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। रविवार से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि नया सिस्टम 20 जुलाई तक एक्टिव रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून का ट्रफ लाइन वर्तमान में बीकानेर, नारनौल, ग्वालियर, सतना से होकर गुजर रहा है, जिस वजह से 17 जुलाई से बनने वाले सिस्टम से अच्छी बारिश होने की संभावना है। हमारे सहयोगी निवास चौधरी राजधानी जयपुर में मौसम के मिजाज को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवास सा, अभी फिलहाल कैसा है राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज, देख पा रहे हैं हम बारिश हो रही है? जी नंदिनी, मैं अभी सेंट्रल पार्क के बाहर खड़ा हूं और आपको बता दूं, राजधानी में हमने सुबह ही बात की थी कि बादल हैं, वो छाए हुए हैं और झमाझम बरसात है, वो यहां पर शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ऑफिस जाने वाले जो हैं उनके लिए घूमने का और सैर सपाटे का दिन है, और बरसात जो है वो गर्जना के साथ अच्छी बरसात हो रही है। सुबह हमने देखा था, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे की जो बरसात है वो लगातार यहाँ पर हो रही है, और हवाओं का दौर है वो कल रात देर रात से भी शुरू हो गया था। प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी बरसात हुई थी, पर राजधानी में अभी थोड़ी देर पहले जो है वो झमाझम बरसात का दौर है वो शुरू हो गया है। मानसरोवर, सांगानेर, प्रताप नगर और यहाँ पर सेंट्रल पार्क में भी है, वो लगातार बरसात का दौर है वो शुरू है, और राजधानी का मौसम खुशनुमा हो गया है। हमने सुबह बताया था नंदिनी कि यहाँ पर जो बरसात है वो आने वाली थी, बादल जो है वो छाए हुए थे, और आने वाले दिनों में आप कल से जो है वो मानसून रफ्तार पकड़ेगा, उसके बाद में 20-21 तारीख तक जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदेश में अच्छी बरसात होने के आसार हैं, और जयपुर में भी लगातार जो है वो बरसात होती रहेगी। जी बिल्कुल, तो मौसम विभाग ने अभी फिलहाल लगातार बरसात होने का की आशंका व्यक्त की है। इसके अलावा मैं पूर्वी राजस्थान के और क्षेत्रों की बात करूं, किस तरह का अपडेट, किस तरह का इनपुट मिल पा रहा है, और ये जो बरसात है, झमाझम बारिश जयपुर में हो रही है, ऐसे में ये बारिश किसानों की खेती किसानी के लिए कैसी है? नंदिनी, खेती किसानी के लिए ये बरसात है ये अच्छी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मूंगफली, गवार और मूंग की जो फसल है वो इस वक्त जो मूंगफली की फसल है सबसे अच्छी जो है वो इसके लिए मानी जाती है, ग्वार की फसल के लिए, और किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर आएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो किसान है वो बरसात का इंतजार कर रहे थे। पिछले 4 दिन पहले भी जो बरसात हुई थी वो कुछ इलाकों में बरसात है वो तेज बरसात हुई थी, और उससे जो है वो फसलों को नुकसान पहुँचा था, पर अब किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक अच्छी बरसात और खुशनुमा मौसम के अंदर एक अच्छी बरसात हो जिससे फसलों को है वो फायदा हो, और सिंचाई की जरूरत है वो कम पड़े, क्योंकि मूंगफली के अंदर अगर फसल की बात करें तो पानी की जरूरत है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए मूंगफली की फसल के लिए ये बरसात है ये वरदान साबित होगी। जी नंदिनी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी जयपुर